तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और एक कर्मा पूजा ब्लॉग वीडियो में। और दोस्तों आज मैं आया हूँ रसराजपुर, और यहाँ कल रात को पहुँच नहीं पाया और आज दिन में पहुँचा हूँ। आज विसर्जन होने वाला है कुछ ही देर के बाद। तो दोस्तों, और दोस्तों मेरे तरफ से कर्मा पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको, और यहाँ का जितने मेरे माता पिता है, मेरे भाई बहन है, सभी को जय धर्म है, जय धर्म है, जय आदिवासी, जय जोहार। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ नाचेंगे, रिज रंग करेंगे, और आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यहाँ का रसराजपुर का जो संस्कृति है, जो परंपरा है, हम लोग का जो करम नृत्य होता है, वो सब दिखाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। तो ठीक है, आप लोग मतलब इस वीडियो के जरिए एंजॉय कीजिए। अभी हम लोग यहाँ करम नृत्य करेंगे सभी लोग मिल के, और हम लोग अपने आपस में मिल के सब प्यार बांटेंगे यही नृत्य के माध्यम से। और ये तो एक हम लोग का खुशी का पर्व है हम लोगों का, जो कि हम लोग सब मिल पाते हैं एक साथ, जो भाई बहन जो दूर दराज से होते हैं, सब एक साथ मिल के यहीं पर करम पूजा का सेवा भी करते हैं। ठीक है, हमारे तरफ से आप सबको हैप्पी करम पूजा। चलो शुरू करते हैं अभी।
दोस्तों कर्मा राजा को अभी उखाड़ा गया है, विसर्जन होने वाला है कुछ देर में। अभी जो महान बाबा है ये घर उनका यहाँ पर ले जाएंगे, उनका सम्मानित किया जाएगा कर्म राजा का, उसके बाद फिर तालाब में जो विसर्जन करने के लिए ले जाएंगे।
इतना। दोस्तों अभी विसर्जन के लिए जा रहे हैं, अभी कर्मा डाली का विसर्जन का टाइम हो गया है। कितना लाला ही बरस कर्मा पूजा तो दोस्तों हैप्पी कर्मा पूजा। हाँ आ जाए लिमी इनो चल चल जाऊं चलो। तो दोस्तों अभी विसर्जन का टाइम हो गया है और इतना लोग हम लोग मिल करके आए हैं तो अभी विसर्जन होगा। अभी कर्मा डाली का जो कर्मा राजा का विसर्जन हो गया और फिर अगले साल मिलेंगे यही दशहरा के टाइम दशक्रम में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो आप लोगों को कैसा लगा कर्मा पूजा कमेंट बॉक्स में बताना। और ठीक है सभी लोग बोलो बाय। जय धर्म, जय जोहार।